मुख्य रेफरी मानुथान साम मुर्मू जी पश्चिम नाका से चलाव अपे बॉल पे ध्याना बना पे बॉल हलांग लगी अपे एकदम ग्राउंड में चारों ओर मी से तो हल पे चला मी नखा बार होल का मी नखा रो बार होल का नुका अपे नहा तहन दुन पे एतो हम समारे ओने कोई मौका बनावा पहिल पोस्ट से ओने शॉट ले गया दुहाव न कोई रिकवरी होयन गया जर्सी नंबर 3 अरे घातक प्लेयर्स के लिए ओनी जहां दो जर्सी नंबर 3 रे गति के नाम फूलचंद हंसदा अमित मुर्मू में तो पहला होने को आक्रमण तेरा प्रयास को जीडी प्लस 2 अरे बेहतरीन क्रॉस होने को माइकल लगी ये भी छोटे कोई 8 नंबर जहां साहेब तो हम सब थोड़ा गान अटे बना फिरा करे बना पर उन्हें कोई जल कुखाई जीडी प्लस 2 9 नंबर जेले अनुई दो अमित मुर्मू 14 नंबर है देवीलाल हेमरम 12 नंबर है जाहिर व्यक्ति के ना ईश्वर सोरेन 3 नंबर है फूलचंद हंसदा उन्हें कोई विजय सोरेन लेकिन बॉल चलाओ ना उन्हें कोई गोल लाइन कोई बाहर है नहीं हो डी मोच मौका जाम दा थोड़ा गन हो गेप जाम लिखा है निश्चित रूप से उन्हें कोई पहला गोल है दरिया किया 6 नंबर बुडिया रवि मुर्मू 2 नंबर शीतल हंसदा गोलकीपर अडी एक्टिव है संजय मुर्मू बनाया गोलकीपर प्रधान मुर्मू जहां दो 4 नंबर गति के नाम बेंच रे नाम बना हुआ जीडी प्लस 2 से खोई कैप्टन हेमरम 16 नंबर अलमा सोरेन 15 नंबर गोपाल टुडू 14 नंबर मोतीलाल सोरेन 11 नंबर नयन सोरेन 5 नंबर और विजय हेमरम समय को कारण तो थोड़ा गान मैच प्रभाव पड़ा प्रभाव पड़ा शहरी टीम से कोई हाँ एक से एक बढ़कर के प्लेयर्स बना हुआ गोलकीपर सतीश मुर्मू अड़ी एक टीम गोलकीपर का सतीश लटू लटू टूर्नामेंट बन गया लाखों ना टूर्नामेंट सतीश का रोल अड़ी बेहतर था ना मोहनलाल सोरेन टीम ने अड़ी गखूर खिलाड़ी बनाई जहां दो डिफेंस है या योगदान है हमारा संगे थे ना बना के ना जहां दो 9 नंबर है नहा चुनका 4 नंबर है जोहन जी 7 नंबर है रंजीत जी 12 नंबर है उन्हें कोई माइकल जी नोटे बंकर में नया जहां दो 14 नंबर है हरों का 11 नंबर है विजय सोरेन और 10 नंबर है सुरेंद्र सोरेन
लोगों को प्लेयर्स बना पाए एफसी सारी टीम से कोई रंजित लगी बॉल रंजित की मोच बॉल प्लेयर की धोखेदार उड़े खोई ना है गति ही किया 14 नंबर बन गया उन्हें ऑफसाइड ना ट्रिक है उन्हें ना मन कब और बैठे एक डायरेक्ट फ्रीकिक लगी मौका उन्हें कोई कुन्यामा नेदम जीडी प्लस टू नियम बाद ना मैच लगे अबे ना टीम रन मैनेजर हो ना रुकी मैं नवगत चूक करा अबे ना कभी चीफ मैच में रिपोर्टिंग है अगला मैच लगे एसएसडी सोना संथाल वर्सेस छोटा दुर्गापुर डोडे को ढांगी टीम प्लेयर से बदला हुई लगी साहब जी जीडी प्लस टू से खोई जर्सी नंबर 6 आउट और उन्हीं जगह है 14 नंबर है बॉल लगी 6 जगह है 14 छेरे रवि मुर्मू जगह है नोडे बलोय ना गोपाल टुडू बॉल बॉय बैठे उन्हें प्ले कोई बाहर चलाओ ना और उन्हें कोई ना मीटे थ्रोइंग लगी मौका कोई जमा नहीं दूं जीडी प्लस टू टीम उन्हें कोई रंजीत फटी मुझे बोले क्लियर लहा के ना मैंने कहा उन्हें कोई डिफेंस लाइन कोई जहाँ तो 4 नंबर के गति का प्रधान मुर्मू ना बोले क्लियर किया अमित लगी अमित अड़े बेहतर खिलाड़ी कहना नोई हो विजय का की निश्चित रूप से रन सुनते सुनते थे शॉट लगी माहिर खिलाड़ी अभी तो नेपाल प्ले ऑफ किया मैं कह थोड़ा कम बॉल ना रेंज का तो है ना गति का तो है ना थोड़ा कम तेज सा है कंते बॉल तो पर ना गोल लाइन पे बाहर थे और उन्हें कोई ढाब पीछे गोल किक लगी मौका को जा मरिए दम सारी टीम एसएसडी सोना संथाल वर्सेस छोटा दुर्गापुर टीम देदला वन हो कमेटी मंच पर रिपोर्टिंग अब अगला गाती लगी एंटे नुकिना गाती मुझे दो तुरंत बाद ही अब दलारे अगला मैच हो ही हुआ इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद आज दिन का नेक्स्ट मैच के लिए सेकंड मैच के लिए एसएसडी सोना संथाल वर्सेस एफसी छोटा दुर्गापुर के टीम मैनेजर आप जितना जल्द हो सके कमेटी मंच में आप दोनों रिपोर्टिंग कर लें और अभी से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग तैयारी शुरू कर दें क्योंकि आज मैच स्टार्ट होने में समय काफी ज्यादा डिले हुआ है हम लोग अपेक्षा करेंगे मैच समाप्ति के लगभग 5 मिनट पहले आप दोनों अपने प्लेयर्स को रेडी करके डगआउट पर तैयार रखेंगे अगला मैच के लिए नोडे कोई अमित नहा डिमोच बॉल धो के दा रूपा मैं खाई बॉल कोई थोड़ा कम डिस्टेंस से तय करना ज्यादा उड़ाए थे रेफरी उन्हें वेट एंड सी की नहीं इनके बॉल कोई दूरी लेता है करना और मगर उन्हें बोले जाम रखा है निश्चित उन्हें कोई ऑफसाइड ना को ले कोना नोडे बॉल 2 नंबर लगी जहां दो उन्हें शीतल हसदा शीतल लंबा मचा पास मैंने कहा बॉल पुले कोई बाहर चलाओ ना नॉन एथ्रोइंग बॉल माइकल टीम रन अड़ी घातक प्लेयर्स माइकल उन्हें थोड़ा कहने कोई और किधर चुरका चुरका उन्हें कोई सुरेंद्र सुरेंद्र हो बीते बयार करा लिखा हो करना है काती मताव लिखे बाम सम्राव दरिया बार पे होर तो हम ठेला उखाए बाम उसको दरिया सुरेंद्र सुरेंद्र और नौटी नौ का ग्राउंड करा नहीं लगी अड़ी लकी ग्राउंड कम दया निश्चित रूप से तिहिनवा ग्राउंड है या चिन्ह करना जलवा चिन्ह करना होगा रोल कराना है निभाव करें करना सुरेंद्र स्वरण एफसी सारी टीम से कोई शॉट लगी बट तैयार बने हैं जबरदस्त शॉटर विजय सुरेंद्र शॉट तगड़ा बंदाई बाउंस करते सीधे बोल चलाना संजय बुरमौ ग्लब्स रहे अड्डी मोच ग्लब्स उन्हें जलना संजय बुरमौ ऊंचा लंबा शॉट चुनका उन्हें हेडिंग माध्यम से उन्हें 4 नंबर जोहर लगी जोहर पांग के उन्हें कोई 3 नंबर फुल चाल जीडी प्लस टू है बहुत तालगी क्रूम टू ही ना फुल चाल जी
लेकिन उन्हें कोई बल्ला या शॉट बॉल नहीं दबी प्लेयर की बिना बनकर उन्हें बॉल प्ले करने बाहर ही किधर उन्हें कोई सितल हंसता गतिन हाँ डी मैच के गतिन क्या ना वह मैच ये तो हॉप समय तकरीबन 10 मिनट गन समय हुई क्या ना शहरी टीम नौ दो आकुआ होम ग्राउंड का ना वह ग्राउंड रचें का गति लेन का भागी हुई और नौ बखूबी नुकुटे बढ़ाए में ना उनका सांसों के तेजी पर प्लेयर्स नौ टीम को इधर को एड बढ़ाओ का आकुआ जहाँ दो मोहनलाल लेकर प्लेयर्स विजय सोरेन लेकर खिलाड़ी बॉल बॉयज नेक्स्ट बॉल सुरेंद्र लेकर खिलाड़ी लेकिन सुरेंद्र नौ आया होम ग्राउंड लेकर खान गया इतने जब जब उन्हें टूर्नामेंट आयोजन हो हर बार उन्हें सुरेंद्र गति इकन माय टिकट हुआ ग्राउंड रहे चिन का गति जो ना बखूबी बनाया उन्होंने कोई ना देवीलाल हमरा मटी घातक खड़े कराए देवीलाल शॉट लगाओ कि तब मैंने कहा ना शॉट तो उड़िया चलाओ ना तो देवीलाल हम इतने गोल टेकिंग प्लेयर्स बनाए जहां ग्राउंडर की जलिया देवीलाल जहां तक टीम खोई जाती है उनसे कोई गोल स्योर हो जुआ तीन वां शरीर ना वां पता ग्राउंड है देवीलाल हेमरम से चे देवीलाल हेमरम से कोई चेक नोडे कोई गोल येलो हाँ बना तीन मी जागी टीम सुगे टीम रन प्लेयर सुगे किन रोबरू किया जे ओकोटा टीम दो ओकोटा टीम रन ओकोटा प्लेयर्स ना चल के गति हाँ वां टीम कोई ना बढ़ाई नुकिन टे बना उन्हें इतने वां मैच नहीं तगड़ा भी वां ने भी छोड़े कोई हाँ रणजीत इन जगह के ना हर जगह खबरदार खिलाड़ी अनुआ हुई जरूर करना नाइन साइड रहे नाइन साइड के मैच में आपको ये नहीं देखना होगा कि मैं तो डिफेंस लाइन का खिलाड़ी हूं मैं ओनली डिफेंस लाइन का ही जगह में कवर करूंगा ये सोच के अगर आप खेलेंगे मैच को तो निश्चित रूप से आप अपने टीम को मजबूती नहीं दे पाएंगे जब तक आप अपने सपोर्टिंग प्लेयर्स को सहयोग नहीं करेंगे तब तक आपका टीम कभी जीत नहीं सकता है इसलिए नाइन साइड के मैच में टोटल प्लेयर्स को आपको जो है खेलना होगा हर जगह को कवर करना होगा तो निश्चित रूप से अपने टीम को आप ज्यादा मजबूती दे सकते हैं और ओपोनेंट के ऊपर में आप दबाव बना करके गोल ले सकते हैं ऐसे समय पर ये देखिए अमित हसदा स्किलफुल प्लेयर्स वहां पर प्ले ऑन कर दिए हैं और इसी बीच वहां पर गेंद को डीप में खेलने का प्रयास कर रहे थे ईश्वर लेकिन गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर और वहां पर एक कॉर्नर को जीतेगी इस बार जेडी प्लस टू के टीम जर्सी नंबर 14 पहने हुए गोपाल टुडू फर्स्ट हाफ अपना मैच के तभी चला कर उनकी चला रहे और शॉट अभी बेहतरीन लगा होकर उन्हें खोई दो नंबर शीतल हास्ता बॉल ज्यादा पावरफुल शॉट होता होना प्रयास रहे उड़ा बॉल में सूट चितान के दांत बॉल दो पर उन्हें पोस्ट कोई काफी चितान इसी तरफ से अभी तक इस मैच में तकरीबन 13 मिनट के करीब ये मैच 13 से 14 मिनट होने को चला है मैच दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छा खेला है एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने का प्रयास लेकिन अभी तक गोल स्कोर आया नहीं है इस मैच में लेकिन समय काफी है इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा इस मैच के लिए और यहां पर मैं समझता हूं कि बच्चे पर समय को अगर बेहतर तरीके से खेला जाए जब जब मौका मिले मौके को सीधे गोल में भुड़ाने का अगर प्रयास के साथ ये दोनों टीम्स खेले जैसे ही मौका मिले मौके को मिस ना करे तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि फर्स्ट हाफ तक में इस मैच में गोल आ सकती है लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि कौन सा टीम यहां से पहला गोल करेंगे बॉल प्ले से बाहर और यहां से एक थ्रोइंग को जीतेंगे इस बार जीडी प्लस टू की टीम तो रिंकू सर अभी भी समय इस मैच में है काफी
हमको लगता है लगभग अभी लगभग लगभग 75% मैच फर्स्ट हाफ का निकल चुका है, अब 25% मैच बची है फर्स्ट हाफ का, तो इस बचे हुए समय पर कम से कम दोनों टीम की ओर से अगर एक एक गोल हो जाती है तो मैच में रोचकता जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगी और सेकेंड हाफ का मैच और बेहतर होगा। इसे रिंकू सर बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आप। आज मैं ये सिद्धू कानू युवा स्पोर्टिंग क्लब शहरी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर मौजूद होने का सौभाग्य प्राप्त किया हूं, साथ ही साथ ये 5 दिवसीय टूर्नामेंट का ये तीसरे दिन है और तीसरे दिन में आज का ये पहला खेल जो हम देख पा रहे हैं शहरी भाषा जीडी प्लस टू के टीम के बीच चलती हुई नजर आ रही है। तो इसी दौरान मैं पुनः आज एक बार फिर से तमाम दर्शक दीर्घाओं को एवं तमाम खेल प्रेमियों को इस क्लब के माध्यम से हमारे इस कमेंट्री बुक के माध्यम से सभी को एक बार पुनः ये तीसरे दिन में सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं उनका स्वागत करते हैं। शुरुआती दिन से कहीं ना कहीं लगातार हम ये तीसरे दिन में पहुंच चुके हैं और शुरुआती दिन से लेकर दूसरे दिन में मैं युवा वर्ग से लेकर होती प्लस तक का हमने खेल देखा था और आज मात्र यहाँ युवा वर्ग का खेल होना है। तो आज का यहाँ पहला मैच हम शहरी भाषा जीडी प्लस टू के बीच देख पा रहे हैं, जबकि दोनों के बीच में एक संघर्ष एक बहुत ही जबरदस्त मैच को देखते हुए फिलहाल दोनों टीम फर्स्ट हाफ के मैच को खेलते हुए नजर आ रही है, लेकिन दोनों ही टीम 0-0 के स्कोर पर फिलहाल बरकरार है। परंतु देखना होगा क्या यहां फर्स्ट हाफ के समाप्ति से पहले क्या यहां गोल आएगी, क्योंकि दोनों ही टीम में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयरों का सिलेक्शन किया गया है और ये सारे खिलाड़ियों को बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का काफी अनुभव है, परंतु उस अनुभव का फायदा फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखा है। आशा रहेगा कि समय रहते हुए यहाँ गोल हम जरूर देख पाएंगे और इसी क्रम में यहाँ एक फ्री किक मिल चुका है शहरी के टीम को प्लस टू के विरुद्ध में और यहाँ 3-3 खिलाड़ी तैयार हैं शॉट लेने के लिए, परंतु देखना होगा वो शॉट माइकल लेता हुआ, लेकिन माइकल का शॉट थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण, ये ऑफ टारगेट शॉट था और शॉट में वो गति नहीं थी तो काफी धूप खिली हुई है मैदान पर और गर्म हवा चलती हुई मैदान पर। इसके बीच यहां दोनों टीम काफी संघर्ष करते हुए पहले गोल के लिए इस मैच को जीतने के लिए, दोनों को पता है कि अगर यहां से हमारी टीम हारती है तो कहीं ना कहीं हम इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे, परंतु दोनों का लक्ष्य दोनों का ड्रीम दोनों का सोच एक ही होगा कि हर हाल में यहां हमको मैच जीतना है ताकि अगले राउंड अगले पायदान के लिए हम सुरक्षित हो जाए। और इसी के साथ यहां बोल सुरक्षित गोलकीपर के यहां पर मौका बन सकता था। ये देवीलाल जो 10 नंबर के जर्सी पर खेल रहे हैं ये काफी चतुर भरा खिलाड़ी है, इनके अगर ग्रिप में इनके अगर रडार पर बॉल होता है तो बहुत कम ही मिस्टेक होता है, लेकिन इस बार यहां जॉन द्वारा बॉल को क्लियर किया गया है, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और बाकी का काम यहां पर पूरा करते हुए संजय। थोड़ा सा यहां पर लय में दिखना होगा यहां दोनों टीम के खिलाड़ी को, क्योंकि दोनों टीम से जिस प्रकार के खिलाड़ी का सिलेक्शन किया गया फिलहाल उस तरह का प्रदर्शन यहां नहीं दिख पा रहा है। और यहां फिलहाल माइकल के पास, माइकल आगे के ओर लेके बॉल को बढ़ाया, क्या यहां तक जा पहुंचेंगे बॉल, लेकिन काफी समय ले लिया यहां माइकल, बॉल को सजाने का बहुत कोशिश कर
सकते रहे, लेकिन अंततः उस बॉल को कहीं ना कहीं शीतल द्वारा वहां से क्लियर करने में सफल हो गया। अगर माइकल फर्स्ट टाइम उस शॉट को लेते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा हो सकता था, लेकिन ये काफी समय देने का कारण, काफी वक्त ले लिया बॉल पर, इसी कारण वहां डिफेंडर के खिलाड़ी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई वहां तक पहुंचने में, और नतीजा बॉल सीधे गोल लाइन से बाहर गई है और यहां से एक कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा। जो फुटबॉल जगत में कहा जाता है कि ये बॉल कहीं ना कहीं आधा गोल कहा जाता है। शॉट बेहतरीन जॉन के पास, जॉन का एक लॉबिंग पास था लेकिन वहां एक टप्पे के बाद सीधे बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी, और फिलहाल दोनों ही टीम सुरक्षित 0-0 के स्कोर पर। और आज का जो दूसरा मैच हम देख पाएंगे इस मैच के बाद वो होंगे SSD सोना संथाल भाषा FC छोटा दुर्गापुर के बीच में। तो चलिए दोनों